नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शिक्षार्थियों, आज आपको मैं भारत में भाषा परिवार अर्थात पाठ्यक्रम संख्या 503 ब्लॉक 1 इकाई 1 के संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ। एक बार विषय पर फिर से ध्यान दें, भारत में भाषा परिवार। प्रिय शिक्षार्थियों, संसार की विभिन्न भाषाओं को अनेक भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। इनमें कुछ का सामान्य तौर पर उल्लेख किया जाता है, जैसे भारूपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, सामी जिसे हम सेमेटिक परिवार भी कहते हैं, हामी जिसे हेमेटिक परिवार भी कहते हैं, यूराल अल्ताई परिवार, मलय पालिनेशी परिवार, काकेशी परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, बांटू परिवार, अमरीकी परिवार, ये सभी भाषा परिवार मशहूर हैं। इसी तरह भौगोलिक आधार पर भी भाषाओं को चार खंडों में विभाजित किया जाता है। कौन है चार खंड? यूरोशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और चौथा अमेरिका खंड। यूरेशिया खंड में यूरोप और एशिया महादेशों में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं परिगणित की जाती हैं। भारूपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, सामी परिवार, हामी परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, बास्क परिवार, अंदमानी परिवार इसी खंड के अंतर्गत हैं, यानी ये सभी यूरेशिया खंड में शामिल परिवार हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बरती जाती हैं। वे कौन से भाषा परिवार हैं? भारूपीय परिवार, यानी जिस इलाके में दिल्ली है, हिंदी प्रदेश है या बांग्ला है। द्रविड़ परिवार, यानी दक्षिण भारतीय भाषाओं का परिवार। इंडो ऑस्ट्रिक परिवार, यानी जिसमें आदिवासी हिस्से भारत के शामिल हैं। तिब्बती चीनी परिवार, और तिब्बती चीनी परिवार का मतलब हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाएं, और अंडमानी भाषा परिवार। ये सभी भाषाएं भारत में लंबे समय से बरती जा रही हैं। कहना न होगा भारत की भाषाई विविधता बेहद रोचक है। इन भाषा परिवार के व्यापक परिदृश्य को समझना जरूरी है, पर उसके पहले प्रसंगवश भारत की मौजूदा भाषिक स्थितियों पर एक नज़र डाल लेना मुनासिब होगा। भारत की जनगणना रिपोर्ट 2001-1962, यूनेस्को पीपल्स लिंग्विस्टर सर्वे ऑफ इंडिया 2010 की भारतीय भाषा परिवारों के बारे में आकलन है। 1961 की जनगणना में भारत में कुल 1652 भाषाएं थी। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने साल 2010 में 780 भारतीय भाषाओं की गिनती की। यूनेस्को के मुताबिक इनमें से 197 भाषाएं लुप्तप्राय और
42 भाषाओं का अस्तित्व लगभग खतरनाक स्थिति में है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा भाषाएं हैं उन पर एक नजर डालें। उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल हैं। भारत में 68 लिपियां मौजूद हैं। देश में 35 भाषाओं में अखबार छपते हैं। हिंदी को सबसे ज्यादा 40% भारतीय बोलते हैं। बांग्ला का प्रतिशत 8 है और तेलुगु 7.1%, मराठी 6.8% और तमिल 5.9% बोलने वाले लोग हैं। सरकार द्वारा संचालित ऑल इंडिया रेडियो 120 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत की संसद में सिर्फ 4% भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। उल्लिखित विवरण से हमारी यह समझ साफ तौर पर बन चुकी है कि भारत में भाषाओं की बहुलता है। इनमें अनेक भाषाओं में समानता है, सह अस्तित्व है, तो कुछ भाषाओं में असमानता भी है। सामान्यतः एक गुणधर्म वाली भाषाएं किसी एक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, या यूं कहें कि समान प्रकृति वाली भाषाएं मिलकर एक भाषा परिवार का निर्माण करती हैं। भारत में पाए जाने वाले भाषा परिवारों के अंतर्गत शामिल भाषाओं पर एक नज़र डालना मुनासिब होगा। आर्य भाषा परिवार में कौन भाषाएं शामिल हैं? आर्य भाषा परिवार में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, असमिया का उच्चारण अखामिया भी होता है, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी आदि भाषाएं आर्य भाषा परिवार में शामिल हैं। उसी तरह द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुडुख, तुलु आदि भाषाएं शामिल हैं। तिब्बतो बर्मन या तिब्बती चीनी परिवार में कौन भाषाएं शामिल हैं? इनमें मणिपुरी, अंगामी, बोडो, त्रिपुरी, ताक्सा, मीजो आदि भाषाएं शामिल हैं। अंडमानी भाषा परिवार में अंडमानी, ओंगे, जारवा, ग्रेट अंडमानी आदि भाषाएं शामिल हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं शामिल हैं? इनमें मुंडा, मुंडारी, हो, संथाली, गुत सवरा आदि भाषाएं शामिल हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों पर भी बातचीत कर लेना मुनासिब होगा। प्रिय शिक्षार्थियों, जब रचना तत्व के साथ अर्थ तत्व यानी आंतरिक समानता को प्रधानता देकर भाषाओं को विभिन्न समूहों या वर्गों में विभक्त किया जाता है, तब उसे पारिवारिक वर्गीकरण की संज्ञा दी जाती है। इसे और भी विस्तार से समझने की जरूरत है। पारिवारिक वर्गीकरण को ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। जिन भाषाओं के ऐतिहासिक संबंध रहते हैं उनका विवेचन एक परिवार के अंतर्गत किया जाता है, पर ऐतिहासिक वर्गीकरण नाम बहुत तर्कसंगत नहीं है। यह कहना भी तर्कसंगत नहीं है कि एक मूल भाषा से अन्य अनेक भाषाओं का जन्म होता है। तत्वतः मनुष्य की तरह भाषा का वंश नहीं चलता। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार क्या हैं? आइए इस पर विचार करें। शिक्षार्थियों, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के मुख्य आधार 4 हैं। पहला, स्थान साम्य का आधार। दूसरा,
शब्द साम्य का आधार, तीसरा व्याकरण साम्य का आधार, चौथा ध्वनि साम्य का आधार। आइए इन्हें और विस्तार से समझने का प्रयास करें। पहले स्थान साम्य। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि वे भाषाएं एक ही परिवार की होंगी जिनके क्षेत्र एक दूसरे के निकट पड़ते हुए, जैसे मिथिला एवं मगध में स्थानिक समीपता है। ये दोनों भाषाएं बिहार में बोली जाती हैं। मिथिला और मगध में स्थानिक समीपता है, अतः मैथिली तथा मगही एक ही परिवार की भाषाएं मानी जा सकती हैं। परंतु उपर्युक्त मत सभी भाषाओं पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए क्षेत्रगत दूरी की दृष्टि से मराठी और कन्नड़ को एक ही परिवार के अंतर्गत होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। और तो और अरबी और फारसी भी पारिवारिक दृष्टि से परस्पर भिन्न भाषाएं हैं। ठीक इससे अलग हिंदी और अंग्रेजी अथवा हिंदी और रूस की भाषाएं एक दूसरे से बहुत दूर हैं, फिर भी ये भाषाएं एक ही परिवार की मानी जाती हैं। तात्पर्य यह है कि स्थानिक निकटता भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का ठोस आधार नहीं सिद्ध होती। आइए शब्द साम्य के आधार पर विचार करें। शब्द साम्य अर्थात शब्दों की समानता का आधार, शब्द साम्य के आधार पर भी भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का प्रयास होता रहा है। इसके लिए मूल शब्दावली की समानता का अनुसंधान किया जाता है। इसके विभाजन आधार में कुछ प्रमुख की चर्चा की जा सकती है, जैसे प्रकृति के प्रसिद्ध तत्व सूर्य, चंद्र, आकाश आदि, प्रसिद्ध पशु पक्षी जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, मोर, कौआ, कोयल आदि, ग मुख्य संबंध सूचक शब्द जैसे माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र आदि, अंतिम संख्यावाचक शब्द एक, दो, तीन, सौ, हजार, लाख आदि। इन विभिन्न वर्गों से शब्दों की सूची बनाकर तथा उनका परीक्षण कर उनमें समानता निश्चित करने के बाद भाषाओं को एक ही परिवार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाता है। जैसे भाषा और शब्दों के रूप में कुछ शब्दों का यहाँ उदाहरण देखें। संस्कृत में मातृ शब्द है, हिंदी में उसके लिए माता शब्द है, फारसी में उसके लिए मादर शब्द है, लातिन या लैटिन में उसके लिए मातेर शब्द है, जर्मन में मुतेर शब्द है, अंग्रेजी में मदर शब्द है। शब्दों की समानता के आधार पर इनको एक ही परिवार भारूपीय परिवार की भाषा मान लेते हैं। ध्यान रखना चाहिए अर्थ साम्य होने पर ही शब्द साम्य का कोई महत्व नहीं होता। आइए व्याकरण साम्य समझें। जब किन्हीं दो या अधिक भाषाओं में व्याकरण साम्य दिखाई पड़ता है तब उन्हें एक परिवार के अंतर्गत रखने का ठोस आधार मिल जाता है। कारण यह है कि बिना एक ही मूल स्रोत से विकसित भाषाओं में व्याकरण संबंधी समानता हो ही नहीं सकती। ध्यातव्य है कि आगत शब्दों से किसी भी भाषा का मूल ढांचा नहीं बदलता, इससे केवल उनके शब्द भंडार में विकास होता है। भाषा का ढांचा व्याकरण द्वारा निश्चित होता है, जिसमें तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला, शब्द निर्माण प्रक्रिया, दूसरा पद रचना पद्धति, तीसरा वाक्य संरचना प्रणाली। आइए भारत के भाषाई क्षेत्रों की विशिष्टता को समझें। भारत में मौजूद भाषाओं तथा भाषा परिवारों के अध्ययन का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि इतनी भाषाई विभिन्नता एवं भाषा परिवारों की विभिन्नता होते हुए भी भारत एक भाषाई क्षेत्र है।
गौर तलब है कि पांचों भाषा परिवारों के अंतर्गत आने वाली भाषाएं बोलने वाले हजारों वर्षों से साथ रहते आए हैं, इसीलिए इन भाषाओं में आपसी आदान प्रदान बहुत हुआ है और इस आदान प्रदान से इन भाषाओं में संरचना के स्तर पर तमाम तरह की समानताएं विकसित हुई हैं। इस आदान प्रदान के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले प्रतिध्वनि शब्द। सभी भारतीय भाषाओं में प्रतिध्वनि शब्दों का प्रयोग होता है। प्रतिध्वनि शब्दों में दूसरा शब्द अतिरिक्त के अर्थ में आता है, लेकिन अपने आप में निरर्थक होता है। आइए उदाहरण से समझें। जैसे हिंदी में चाय वाय कहते हैं तो वाय का अर्थ है चाय के साथ कुछ और या अतिरिक्त चीजें, लेकिन वाय का अर्थ की दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही अन्य भाषाओं में शब्दों का संसार है। जैसे हिंदी में खाना वाना, रास्ता वास्ता, पानी वानी और सुदूर दक्षिण की भाषा तेलुगु में दूली गीली, बाघ वाघ, अन्नय गिन्नय, उड़िया में बाघो फागो, चौबुले फाबुले, चावल वावल। एक अन्य विभाजन देखें, पुनरुक्त शब्द। सभी भारतीय भाषाओं में संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण को पुनरुक्त। पुनरुक्त का अर्थ होता है एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति। फिर से समझे, सभी भारतीय भाषाओं में संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण को पुनरुक्त किया जा सकता है। पुनरुक्त शब्द प्रत्येक के अर्थ में आता है। जैसे घर घर का मतलब दो घर से नहीं बल्कि प्रत्येक घर से है। आइए कुछ भारतीय भाषाओं में इसे समझने का प्रयास करें। हिंदी, उड़िया और तेलुगु तीन भाषाओं के माध्यम से सबसे पहले संज्ञा देखें। हिंदी में घर घर, उड़िया में घोरे घोरे, तेलुगु में इष्टि इष्टि, इष्टि इष्टि लो। इस तरह से क्रिया विशेषण को समझने का प्रयास करें। हिंदी में धीरे धीरे, उड़िया में धीरे धीरे, तेलुगु में नेम्मदी नेम्मदीगा, उड़िया में आस्ते आस्ते, तेलुगु में मेल्ला मेल्लागा। उसी तरह सर्वनाम शब्दों को देखें। हिंदी में अपना अपना, उड़िया में निजो निजो, तेलुगु में तना तना। आपने यह देखा कि किस तरह से पुनरुक्त शब्द विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इन पुनरुक्त शब्दों का मतलब जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द का दो संख्यावाची मतलब नहीं है, उसका मतलब होता है प्रत्येक। उसी तरह से आपने यह देखा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में एक समानता प्रतिध्वनि शब्द की जो है, उसमें प्रतिध्वनि शब्द का दूसरा जो एक शब्द है वह होता तो निरर्थक है, यानी उसको अलग से सुनिए तो वह निरर्थक है, लेकिन जब उसको एक संदर्भ में सुनिए तब उसका एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे आपने देखा था कि किस तरह से हिंदी में चाय वाय का मतलब चाय के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय भाषा परिवार के संदर्भ में आपने संसार के विभिन्न भारतीय भाषा परिवारों के साथ ही भारतीय भाषा परिवारों की कतिपय विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि भाषाई विविधता के मामले में अनूठा भारत देश विभिन्न भाषा परिवारों का प्रयोग करता है और यह भारत की भाषिक विविधता, उसकी सामासिक संरचना और उसकी सांस्कृतिक विरासत का एक मजबूत आधार है। दुनिया में, जैसे कि पहले भी आपसे बातचीत हुई थी,
दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां 5 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हों। ऐसे देश में जहां 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली बरती जा रही हों और वह भी हजारों सालों से, उनमें भाषा परिवारों के बारे में संबंध बनना स्वाभाविक है। उन भाषा परिवारों में बहुत सारी समानताएं भी हैं और बहुत सारी असमानताएं भी हैं। आपसे वार्ताक्रम में उन सभी की चर्चा भी की गई थी। मुद्दा यह है कि इतने भाषा परिवारों के बावजूद भारत में भाषाई आधार पर आपसी संवाद, समझ और एक आत्मीय रिश्ता विकसित होने के प्रयास सदैव रहे हैं। भारत इस मामले में अनूठा देश है कि यहाँ विभिन्न भाषा परिवारों की जो भाषाएं बोली बरती जाती हैं उनमें एक तरह से सह अस्तित्व का रिश्ता विकसित हो चुका है। 5 भाषा परिवार की भाषाएं होने के बावजूद भाषाओं के बारे में इस तरह से सह अस्तित्व का रिश्ता भारत को एक अनोखी ऊंचाई की तरफ ले जाता है। भारतीय भाषा परिवार आपस में एक दूसरे के साथ विकसित होते हुए एक संबंध विकसित करते हैं, जबकि दूसरे देशों में भाषा को लेकर, भाषाई अस्मिता को लेकर आपसी सहमतियों का सिलसिला बहुत सुखद नहीं है। चाहे श्रीलंका में तमिल और सिंहली का मामला हो या पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान में जब बांग्लादेश नहीं बना था तब उर्दू और बांग्ला का रिश्ता हो, लेकिन भारत में विभिन्न भाषा परिवारों के बीच एक सह अस्तित्व का रिश्ता है जो विभिन्न भाषा परिवारों के विकसित होने के लिए स्वाभाविक माहौल का निर्माण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने भारतीय भाषा परिवार के साथ ही भारत में अन्य भाषा परिवारों की मौजूदगी के विभिन्न संदर्भों को समझा। भारत में भाषा परिवार की स्थितियों की आपकी समझ पूरी हो चुकी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने लाभ उठाया होगा इस चर्चा से। धन्यवाद। नमस्कार।